गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आज आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का मैटर इन अवर सराउंडिंग। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपके सब, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, पेज नंबर 3 पे मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी बुक में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, मीन्स कुछ यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं, कुछ थिंग्स दे रखी हैं आपको, उसमें बताना है क्या चीज़ मैटर है क्या चीज़ मैटर नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि द कोई भी चीज़ जो स्पेस घेरे है और जिसके अंदर मास हो वो क्या कहलाता है, हमारा मैटर कहलाता है। चेयर देखिए, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल और परफ्यूम, ये सब क्या मैटर है, इनमें कौन कौन सी चीज़ मैटर है और कौन सी चीज़ मैटर नहीं है, तो आपको बताना है। द वेरी फर्स्ट आंसर इज सेइंग दैट एनीथिंग विच हैव सम वेट। देखिए मैटर की डेफिनेशन दे रखी है उन्होंने बहुत अच्छी, कि एनीथिंग विच हैव सम वेट, किसी के अंदर कोई भी वेट, वेट किस में नपता है हमारा, एमजी में या किलोग्राम में, एक ही बात है ठीक। तो जिसकी कोई भी चीज़ जिसके अंदर वेट है और ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब कोई जगह घेरे कोई भी चीज़, विल कम अंडर कैटेगरी ऑफ मैटर, वो सब चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं वो किसके कैटेगरी में आती है, मैटर, मैटर के अंदर। जैसा चेयर हो गया, एयर हो गया, स्मेल, आलमंड, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, मैटर, ये सब चीज़ें क्या हैं, मैटर। अब देखिए इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा था यहाँ पे, लव, तो लव क्या है, ये लव मैटर थोड़ी है, इसकी जगह थोड़ी घिरता है कोई, दिस इज अ फीलिंग, ये फीलिंग है, तो दिस इज नॉट कम्स अंडर इन दी मैटर कैटेगरी ठीक है। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, स्मेल ऑफ होट सीजिंग फूड्स रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल ऑफ फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हम जो जब गर्म फूड करते हैं, फूड मतलब खाना जब गर्म करते हैं या गर्म खाना कहीं रखा हुआ है, तो उसकी स्मेल बहुत तेज हमें कहीं भी आ जाती है, बट इन द केस ऑफ कोल्ड फूड द स्मेल विल नॉट एबल टू कम इन द फार प्लेस ऑल्सो, मतलब दूर के प्लेस में हम उसे स्मेल नहीं कर पाते हैं, क्या चीज़ बन रही है, क्या चीज़ क्या फूड है। देखिए इसका रीज़न ये है, आंसर देखिए, सॉल्यूशन, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मीन्स हॉट फूड इवेपोरेट ईजली। हमने देखा है कि इवेपोरेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का भाप की फॉर्म में ऊपर जाना, तो भाप की फॉर्म में तभी जाएगा जब खाना बनाते हैं, धुआं सा दिखता है तो वो धुआं नहीं होता, एक्चुअली भाप होती है, तो भाप की फॉर्म में ऊपर चली जाती है जब कोई चीज़ हम गर्म करते हैं, और भाप क्या होती है, एयर में मिल जाती है, एयर में मिलने के बाद और गैस एक तरीके से गैसेस की फॉर्म में जाती है, और गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं, फ्री टू मूव इन ऑल द डायरेक्शन, गैस की प्रॉपर्टी ये होती है, तो इसलिए हमें कहीं भी पता लग जाता है कि ये चीज़ गर्म फूड जब होता है तो हमें ये चीज़ की आ रही है स्मेल के थ्रू। डिफ्यूज़न ऑफ फूड वेपर विद एयर कम्स वेरी फास्ट, वही चीज़ है, डिफ्यूज़न अलग अलग होना, फूड वेपर का अलग होना एयर के साथ बहुत जल्दी होता है, कैन रीच टू डिस्टेंस विद वेरी शॉर्ट टाइम, यानी डिस्टेंस मतलब बहुत दूर के प्लेस में आराम से क्या हो जाता है, वो बहुत शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी फैल जाती है खुशबू या स्मेल खाने की, गर्म खाने की। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट, देखिए, डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। और डाइवर क्या होते हैं, गोता लगाने वाले जो आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, स्विमिंग पूल में पानी को, पानी में तैरते हैं, तो तैरने से क्या मतलब है कि वो आगे कैसे बढ़ते हैं पानी को काटते हुए, ठीक है, उनके क्या होता है, हाथ के थ्रू क्या करते हैं, पानी को वो फोर्स लगाते हैं पीछे की साइड में। देखिए आंसर में दे रखा है क्या होता है उस कंडीशन में, क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी हम बताएंगे मैटर की क्या उसमें फॉलो करती है जब वो आगे बढ़ता है गोताखोर। द फिनोमेना ऑफ कटिंग द वाटर, कटिंग मतलब हाथ से काटते हैं वाटर को, वाटर की डायरेक्शन कट करते हैं हम, एज द बोट कट द डायरेक्शन ऑफ द वाटर, जैसे बोट में कट करते हैं पतवार के थ्रू, इसी तरीके से स्विमर भी क्या करता है, मैन, वो भी कट करता है। द फिनोमेना ऑफ कटिंग द वाटर बाय द डाइवर शो डैट मैटर हैज स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। अब भाई क्या हुआ, पानी के अंदर मॉलिक्यूलर पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं उसके अपने। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के करेक्टरिस्टिक्स बताइए कि मैटर के करेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं मैटर को। आंसर इज सेइंग दैट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल मैटर आर गिवन बिलो, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हमें पता ही है कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। मान लीजिए मैटर के पार्टिकल हैं और इसके बीच के यहाँ से यहाँ तक का स्पेस क्या है, ये
ये दोनों के बीच में स्पेस है जिससे वो बाउंड अप हो रखे हैं, और कहीं ना कहीं स्पेस ज़रूर होता है मैटर के पार्टिकल के अंदर। किस कोई भी मैटर बनाओ, कम होता है ज़्यादा होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं लिक्विड सॉलिड लिक्विड एंड गैस में। सेकेंड पॉइंट इज सेइंग दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। सेकेंड मैटर की प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट इज सेइंग दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसलिए क्या बना रखा है इन्होंने, एक मैटर फॉर्म कर रखा है बड़ा सा, एक जो वॉल्यूम घेरे और जिसके अंदर वेट हो, दैट इज कॉल्ड दी मैटर। एंड पार्टिकल कब होंगे, जब उसमें अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चिपके रहेगा। फोर्थ वन इज सेइंग दैट पॉइंट पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। यस द पार्टिकल मैटर आर स्मॉल इन साइज बिकॉज वी कैन नॉट एबल टू सीन विद अवर नेकेड आई, हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं मैटर के पार्टिकल, कोई से मैटर के पार्टिकल उसको हम प्रॉपर तरीके से हम देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए पार्टिकुलर मैटर क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और क्लोजली पैक हो जाते हैं। पेज नंबर 6 पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, द मास ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। वही चीज़ है, मास पर यूनिट एम अपॉन वी डी इक्वल टू एम अपॉन डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये हमारा फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर दे भी रखा है। तो अरेंज द फॉलोइंग अंडर इंक्रीजिंग डेंसिटी, मतलब मैंने बताया था डेंसिटी क्या होती है किसी चीज़ की, इंक्रीजिंग डेंसिटी। देखिए इसमें कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं, कुछ मैटर दे रखे हैं, उसकी आप डेंसिटी छोटे से बड़े में लगानी है इन असेंडिंग ऑर्डर। वी कैन से डैट डिफरेंट मैटर आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू अरेंज दीज ऑल द मैटर अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो क्या करा है देखो उन्होंने, सॉल्यूशन में देखिए किस हिसाब से उन्होंने कर रखे हैं। वी कैन सॉल्व द कॉन्सेप्ट इन माइंड द ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस लिक्विड एंड सॉलिड। देखिए बहुत अच्छी चीज़ दिखी है, सबसे पहले डेंसिटी किसकी कम होती है, गैस की, फिर क्या होती है उसके बाद लिक्विड, फिर सॉलिड। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी हो गई, सॉलिड उससे कम, लिक्विड उससे कम, गैस की। तो इसी तरीके से देखिए इन्होंने अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने लगा रखा है, छोटे उससे बड़ा डेंसिटी। तो देखिए गैस की सबसे कम होती है डेंसिटी, तो इसके अंदर जो भी एग्जांपल दे रखे थे, गैस कौन सा है हमारा, एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज धुआं निकलता है, एयर सबसे हल्की होगी, उससे थोड़ी भारी क्या होगी, उसके अंदर एग्जॉस्ट निकलता है, मतलब उसके अंदर पार्टिकल मिले हुए होते हैं थोड़े से, तो इसलिए क्या हो गया एग्जॉस्ट, उसमें थोड़ा भारीपन आएगा एयर में, तो उससे उसके आगे क्या होगी चिमनी होगी, ये भी एक गैस है, चिमनी में से जो एयर निकलती है धुआं। वाटर हनी लिक्विड, वाटर क्या है एक लिक्विड है, और उसके बाद क्या, तो हनी, हनी बाद में क्यों लिया देखो, क्योंकि विस्कस ज़्यादा होता है, वो गाढ़ा होता है, दैट इज़ वाई वी आर टेकन हनी आफ्टर दी वाटर। कॉटन चौक आयरन, कॉटन देखिए हल्का होता है, उससे भारी क्या होती है चौक होती है, उससे भारी क्या होता है सबसे भारी कॉटन, वो आयरन सॉरी, तो आयरन क्या होगी सबसे ज़्यादा भारी होगी, तो सबसे ज़्यादा हाइस्ट डेंसिटी इसकी होगी, इसमें आयरन इज द हाइस्ट डेंसिटी इन ऑल दीज मैटर। नेक्स्ट देखिए टेबुलेट डिफरेंस ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स स्टेट ऑफ मैटर, हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इनमें डिफरेंस बताना है, क्या क्या ये क्या है, क्या क्या है इनमें डिफरेंसेस, क्या है इनमें अलग अलग चीज़ें, क्या क्या चीज़ें मैटर के अकॉर्डिंग। देखिए द आंसर इज सेइंग दैट सॉलिड के अकॉर्डिंग, देखो पहले सॉलिड लेके आए, तो सॉलिड में क्या है, हैव डेफिनेट वॉल्यूम, तो हमें पता ही कि उसका डेफिनेट वैल्यू वॉल्यूम होता है, नॉट टेंड टू फ्लो, फ्लो नहीं हो पता है किसी अंदर होते हैं। नेक्स्ट सॉलिड आर रिजिड, रिजिड मतलब ठोस होना, किस चीज़ का ठोस होता है, दैट इज कॉल्ड द रिजिडिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, जो ठोस होता है वो रिजिड कहलाता है। तो सॉलिड क्या होता है, तीन प्रॉपर्टी होगी सॉलिड की, सॉलिड की क्या होता है डेफिनेट वॉल्यूम, उसका एक प्रॉपर वॉल्यूम होता है, कभी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट टेंट फ्लो, फ्लो नहीं होता है वो पानी की तरह बहता नहीं है। नेक्स्ट रिजिड मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठोस होता है। जनरली सॉलिड हैव डेफिनेट शेप विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन लाइक स्पॉन्ज रबर बैंड एट्सेट्रा। मतलब क्या है सॉलिड, देखिए कुछ स्पॉन्ज की मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, रबर होता है, रबर भी बहुत ज़्यादा ठोस होती है, तो वो भी सॉलिड, तो वो एक तरीके सॉलिड की कैटेगरी में आती है क्योंकि वो रिजिड होती है, ठोस होती है। रबर भी कुछ ठोस होती हैं, हम बड़े बड़े ट्रेन के पटरी में यूज होते हैं, बड़े बड़े, हाँ, तो ये सब क्या होती हैं रिजिड, इनकी प्रॉपर्टी को, रिजिडिटी को शो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए सॉलिड की, सॉलिड आर जनरली इनकम्प्रेसिबल विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस लाइक स्पॉन्ज रबर बैंड एट्सेट्रा। सॉलिड क्या होता है बहुत, उसमें क्या होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल मतलब कंप्रेस नहीं, हम उसे दबा नहीं सकते, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल क्या दे रखा है, रबर बैंड और एटसेट्रा। देखिए लिक्विड में इन्होंने डिफरेंस करा है, लिक्विड ऑल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का भी एक प्रॉपर वॉल्यूम होता है, लिक्विड टेंड टू फ्लो, उसकी अंडर प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लो कर सकती है, बह सकती है। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड एज कम्पेयर टू द सॉलिड, सॉलिड से कम्पेयर कर दिया, रिजिड नहीं होती है, ठोस नहीं होती है। लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल लाइक स्विमिंग पूल में क्या कर दो, पानी भर दो, उसकी शेप ले लेगा वो। कोई गुब्बारे में अलग अलग शेप के पानी भर दो, उसकी शेप ले लेगा। तो लिक्विड है, बोतल में पानी भर के रख दो, उसकी शेप ले लेगा। दे टेक शेप ऑफ द कंटेनर, कंटेनर कोई भी कंटेनर की शेप ले लेता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ दैट कंटेनर। नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेस नहीं हो सकता है। किसी बाउल में पानी भर लो और उसमें कंप्रेस कर दो, तो ऐसा नहीं है कि जितना उसका, मान लीजिए आपने 5 सेंटीमीटर कप में पानी भरा, उसको कंप्रेस कर दिया, 3 सेंटीमीटर रह गया, मतलब दब गया वो, तो ऐसा नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल टू कंप्रेस अ लिक्विड। ठीक है, देखिए गैसेज क्या कहता है, गैसेज डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, देयर वॉल्यूम वेरीज द कंटेनर इन विच दे स्टोर्ड। और देखिए इसका मतलब यह है कि गैसेज का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, उसका कोई शेप नहीं होता है, जो किसी भी शेप में चेंज हो जाता है। कंटेनर इन विच दे स्टोर्ड आर क्या, और मीन्स इसका मतलब यह है कि ये किसी भी कंटेनर में रख दिया जाता है, किसी कंटेनर की शेप ले लेता है। गैसेज ऑल्सो टेंड्स टू फ्लो, इसकी गैस टेंजेंसी क्या होती है, फ्लो भी कर सकता है। गैसेज आर नॉट रिजिड, रिजिड मतलब हो गया ये ठोस नहीं होता है, गैस कोई ठोस होती नहीं, हम बिचका सकते हैं गैस को। गैसेज डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, ये तो बता ही दिया मैंने आपको, देखिए इसका कोई शेप नहीं होता प्रॉपर शेप, किसी भी शेप में चेंज अपना ही ले लेता कोई भी शेप। गैसेज आर कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल मतलब ये कि कंप्रेस हो जाता है ये, इसमें हम कंप्रेस में हम कहेंगे ये कि ये पिचक जाता है हिंदी में। फ्लूइडिटी, देखिए किसी सब्सटेंस की बहने की टेंडेंसी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर, अगर किसी कंटेनर में हमने गैस भर दी, फॉर एग्जांपल मैं अभी बता रहा था आपको एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी फिल्ड इन अ गैस कंटेनर बाय कंप्रेसिंग इट अंडर हाई प्रेशर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस फुल इन दिस केस मींस, अगर हम अपने एलपीजी गैस में, सिलेंडर गैस, सिलेंडर में अपने गैस भरते हैं, उसको हाई प्रेशर मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा तक, बहुत अधिक प्रेशर लगाया जाता है, तो उसे गैस को जो है उसमें फिल करा जाता है सिलेंडर के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एलपीजी गैस। तो मतलब क्या लगता है उसके ऊपर, हाई प्रेशर लगता है, जब प्रेशर लगेगा तब वो फिल होती है, अदरवाइज नहीं होगी। जब उसमें प्रेशर लगाओगे तभी कंप्रेस होगी, तभी हम कहते हैं कि भाई जरा सा सिलेंडर है, थोड़ा सा छोटा सा, और कितनी ऊँची कितनी गैस निकल रही है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट है हमारा शेप, शेप क्या होता है देखो, तो शेप, शेप इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग अ डेफिनेट ज्योमेट्री कॉल्ड शेप ऑफ द पार्टिकुलर, मींस क्या हो गया, देखिए सिंपल सी बात है, शेप कहते हैं कि भाई इसका शेप कैसा, मोबाइल का शेप कैसा, रेक्टेंगुलर शेप होते हैं, तो ये डेट इज़ कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ डेट मटीरियल टू बी लुक लाइक, मतलब जैसा वो दिखता है, दिखने की उसकी जैसा वो दिखता है, डेट इज़ कॉल्ड द शेप ऑफ डेट ऑब्जेक्ट और द थिंग्स। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। सब्सटेंस क्या होता है, देखिए सॉलिड हैव डेफिनेट शेप वेयर एज गैसेज डू नॉट हैव, मीन्स देखिए इसमें क्या दे रखा है, सब्सटेंस के अंदर अगर हम उसको अकॉर्डिंग डिफाइन करें शेप को, तो सॉलिड की क्या होती है, अलग शेप होती है, डेफिनेट बिल्कुल अलग होती है, एंड लिक्विड की क्या होती है, उसकी अलग शेप होती है, डू नॉट हैव, सॉरी सॉलिड की होती है डेफिनेट शेप, एक प्रॉपर शेप होती है, एक प्रॉपर बना हुआ होता है, हमें दिखता है कि भाई इस शेप में, एंड लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, डो नॉट हैव एनी शेप, बिकॉज लिक्विड कैन टुक एनी टाइप ऑफ शेप, पानी अगर हम लिक्विड किसी थैली में भर देंगे तो थैली के जैसा हो जाएगा, अगर हम बोतल में भर देंगे वाटर, तो द वाटर विल लुक लाइक वाटर शेप, बॉटल शेप। इफ वी विल पुट पोर वाटर इन टू अ कंटेनर, इट विल लुक लाइक डैट कंटेनर। ठीक है, तो उसकी हर किसी की शेप ले लेता है लिक्विड, तो इसलिए लिक्विड की शेप क्या होती है, डेफिनेट होती है, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट नॉट डेफिनेट होती, ठीक है, उसकी कोई शेप मानी नहीं जाती है। नेक्स्ट देखिए काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है काइनेटिक एनर्जी का, एनर्जी पोजेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट और बाय मूविंग मॉलिक्यूल्स, मींस आप ऐसे मान सकते हैं इंटरनल फोर्स एंड ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग, उसकी अपनी फोर्स जो लगाएगा,
मान लीजिए वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, उसको अगर पानी को लाओगे तो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर घूमते हैं, तो उसकी वजह से जो आगे वाले मॉलिक्यूल्स पे फोर्स जो लगता है, मतलब एक हर एक मॉलिक्यूल अपना फोर्स लगाता होगा 100% श्योर है, तो उन उस मॉलिक्यूल का जो फोर्स है दैट इज़ कॉल्ड दी काइनेटिक एनर्जी, मतलब फोर्स को उसे क्या कहते हैं, उससे क्या होगी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह भागेगा, तो डैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल इन द वाटर। सही है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब्सटेंस और इट्स मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीज, बिल्कुल सिंपल सी बात है, वाटर इफ वी विल बॉइल्ड और वाटर इन अ कंटेनर देन यू विल सी दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर इट कंटिन्यूसली मूविंग इन द अपर डायरेक्शन, जब पानी बॉइल हो जाता है खोल जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं ऊपर आते रहते हैं, कहते हैं भपका मार रहा है वो तो ऊपर उबलता रहता है, उबलना डेट इज कॉल्ड द उबलना, ठीक है हिंदी हम कहते हैं, तो उसको क्या हो गया उसको हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं उनकी क्या होते हैं काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, जब इंक्रीज होगी तो हाँ फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा उसमें ऊपर उबाला है बॉइल हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस पॉजेस हाई काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, गैस के मॉलिक्यूल की बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, फॉर एग्जांपल हम परफ्यूम का एग्जांपल दिया था मैंने, एक जगह स्प्रे करता हूँ तो दूसरी जगह क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एग्जांपल में बताई दिया आपको, परफ्यूम में इधर छिड़कूंगा तो पूरे पूरे कमरे में क्यों हो जाता है, वन प्लेस से दूसरी प्लेस मूव एकदम से क्यों हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होती है निकलने की क्षमता एक जगह से दूसरी जगह जाने की टेंडेंसी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, डेट इज़ वाई द परफ्यूम स्मेल कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है।